नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? मैं रविंद्र, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रोजगार में। दोस्तों, आप सभी के लिए जो है एक DPGT का मॉक टेस्ट मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ। इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे भाई जीके और साइंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर आस्ट क्वेश्चन। दोस्तों, जो प्रीवियस में आपका मार्च में कोस्ट गार्ड DP और GT का एग्जाम हुआ था, उसके बिहाफ पर दोस्तों 15 क्वेश्चन में लेकर आया हूँ भाई जीके और साइंस के। सो आप सभी लास्ट तक देखते रहेगा दोस्तों, बिल्कुल छोटी सी वीडियो होने वाली है, इससे आपको पता लग जाएगा कि जीके और साइंस के पोर्शन में आपकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा, और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल इंडियन रोजगार ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सो अकेडमी बन गया आप सभी के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन, जहां पर डेली फ्री लाइव टेस्ट, 100+ फ्री स्पेशल क्लासेस, SSB प्रिपरेशन, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रिपेटरी स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आप सभी के लिए दो कैटेगरीज को नया जो है बना दिया गया है, NDA, एयरफोर्स, XY, नेवी और कोस्ट गार्ड। दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, प्राइजेस बहुत ही जल्द इंक्रीज होने वाले हैं। नए बैचेज लाइव हो चुके हैं, संकल्प 2.0 NDA के लिए कंप्लीट बैच कोर्स लाइव हो चुका है। 8 सितंबर से 5 नवंबर तक ये बैच चलेगा, और इंडिया की टॉप फैकल्टी के द्वारा इस बैच में आपको टीच किया जाएगा। 1500 से ज्यादा अनअकैडमी लर्नर्स ने भी रिटर्न को क्वालिफाई किया है NDA के। इसी प्रकार एयरफोर्स XY एंड नेवी और कोस्ट गार्ड कैटेगरी में तेजस XY बैच को है लाइव कर दिया गया है, जिसमें मयंक चतुर्वेदी सर, दीक्षा वशिष्ठ मैम, जितेश पराशर सर, प्रियंक प्रभा सर और अभय शर्मा सर के द्वारा टीच किया जाएगा। ये बैच भी आपका 8 सितंबर से लाइव हो रहा है, और एयरफोर्स के एग्जाम में 1000 से ज्यादा कैंडिडेट ने भाई रिटर्न को क्वालिफाई किया है विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। यहीं पर दोस्तों आप सभी के लिए ऑफर भी है, अगर आप एनडीए में 6 महीने का सेशन लेते हो तो 2 महीने का एडिशनल, और 24 महीने के साथ 4 महीने का एडिशनल, और अगर आप बाय करते हो 12 महीने का तो 12 महीने का SSB सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। यह ऑफर केवल 6 से 9 सितंबर तक वैलिड है। सिंपली आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कैटेगरी चूज करनी है एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, और यहां पर आपको जो है टेन्योर चूज करना है, कितने मंथ के लिए आप सब्सक्राइब करना चाहते हो, और यहाँ पर हैव अ रेफरल कोड में आपको एंटर करना है इंडियन। जैसे ही आप इंडियन एंटर करते हो आपको इंस्टेंटली 10% की छूट देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ जो भी ऑफर लाइव होते हैं वो सारे ही आप जो है अवेल कर सकते हो, और मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इन्वाइट कोड इंडियन है, इस कोड की मदद से आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरी प्रोफाइल का लिंक, मेरी क्लासेस का लिंक और सब्सक्रिप्शन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन अमंग द 8 प्लैनेट। आप सभी को पता है वर्तमान में हमारे जो पास जो है 8 ग्रह दोस्तों, और सूर्य से पृथ्वी की जो स्थिति 8 ग्रहों में वो कौन सी है भाई? वो है तृतीय, यानी थर्ड पोजीशन आती है दोस्तों। अगला सवाल पढ़िए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, विच डैम इज कॉल्ड द अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम। किस बांध को दोस्तों अफगान भारत मैत्री बांध के रूप में जाना जाता है? सो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा भी वो क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, वेल डन भाई, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सलमा बांध हो जाएगा दोस्तों, और ये हरिरुद्ध जो है चिश्त ए शरीफ नदी पर जो है बनाया गया बांध है। अगला सवाल देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है भाई, हौज खास का किला निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या इनमें से कोई नहीं। सो आप सभी को पता है हौज खास का किला जो है दिल्ली में लोकेटेड है दोस्तों, हौज खास विलेज के पास। अगला सवाल क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है भाई, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है भाई, क्या कहता है? इन विच ईयर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्मड, है ना दोस्तों, क्या कहता है भाई कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? तो आप सभी को पता है दोस्तों वर्ष 1906 में बांग्लादेश ढाका में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगले सवाल को पढ़िए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच कंट्री इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड, दुनिया में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सो ध्यान रखना भाई कौन सा है दोस्तों, ये आपका है थाईलैंड, ठीक है। दुनिया में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड है, ठीक है, थाईलैंड जो है रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेयर इज द बिगेस्ट, क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कहता है वेयर इज द बिगेस्ट नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी लोकेटेड इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ी राष्ट्रीय मेट्रोलॉजिकल प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये आपके लोकेटेड है दोस्तों कहाँ पे? जमशेदपुर में, कहाँ पर दोस्तों? ये आपके लोकेटेड है भाई जमशेदपुर में। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है भाई, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है भाई, क्वेश्चन कहता है द आउटर पार्ट ऑफ आई दैट प्रोटेक्ट्स द इनर स्ट्रक्चर ऑफ आई इज,
आंख का बाहरी हिस्सा दोस्तों जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, यहाँ पे कॉर्निया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कॉर्निया इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पढ़िए अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। द फोर्स विच मेक्स अ व्हीकल टू स्टॉप व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड इज कॉल्ड, ब्रेक लगाने पर वाहन के रुकने का कारण क्या है दोस्तों, वाहन को रोकने के लिए कौन सा बल जो है काम आता है बताओ भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स, वंडरवॉल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या फिर कोवेलेंट फोर्स। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका फ्रिक्शन फोर्स। बेसिकली दोस्तों घर्षण बल के कारण ही जो है ब्रेक लगाने पर गाड़ियां रुकती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश मात्रा नहीं है। सो ध्यान रखना दोस्तों मास जो है ये आपका एक अदिश मात्रा है दोस्तों, इसमें केवल और केवल परिमाण है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, गणित नहीं है भाई ये गतिज है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है और क्वेश्चन कहता है कि विच वेव्स आर यूज्ड इन सोनार। सो सबसे पहले आपको बताना चाहिए दोस्तों जो सोनार होती है इसकी फुल फॉर्म होती है भाई साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। और इसमें जो है आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, मेनली नेविगेटर इसका उपयोग करते हैं। अगला सवाल पढ़िए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्या कहता है क्वेश्चन है कि इन द फर्स्ट मून मिशन ऑफ इंडिया ऑन विच डेट वाज चंद्रयान लॉन्च, भारत के पहले चंद्र मिशन में दोस्तों चंद्रयान की स्थिति को लॉन्च किया गया। सो भाई ये लॉन्च किया गया था दोस्तों 22 अक्टूबर 2005 को। अगला सवाल पढ़िए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन कमरे के तापमान पर ठोस नहीं है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड नहीं है तो भाई क्या होगा, लिक्विड होगा। देखो भाई लिक्विड हो जाएगा है ना, रूम टेम्परेचर पर जो लिक्विड होता है वो कौन सा है दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड आपका जो है बेसिकली आप सभी को पता है भाई अमोनियम साल्ट और HCl। सो ध्यान रखना भाई यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई, ऑक्सीजन गैस होती है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। बाकी अलम और साल्ट क्या होते हैं दोस्तों, ये सॉलिड होते हैं भाई, ये ठोस होते हैं, ठीक है, ये ठोस होते हैं, ये आपकी गैस होती है दोस्तों, और आपका जो है अमोनियम क्लोराइड दोस्तों क्या होता है भाई, द्रव होता है, ठीक है। आगे देखो भाई अगला सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड इज नोन एज, जिस तापमान पर एक तरल पदार्थ दोस्तों ठोस में परिवर्तित हो जाता है उसे निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है ना, क्या कहा है, लिक्विड जो सॉलिड में चेंज हो जाए दोस्तों है ना, मतलब पानी का बर्फ में जमना जमना। सो क्या हो जाएगा भाई, ये फ्रीजिंग हो जाएगा दोस्तों, हिमांक हो जाएगा भाई, हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट। अगला सवाल क्या कहता है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई। ध्यान रखना दोस्तों मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी भाई कि ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। सो यहाँ पे न्यूट्रॉन पूछा है तो न्यूट्रॉन की खोज की थी भाई जेम्स चैडविक ने, प्रोटॉन की खोज की थी दोस्तों रदरफोर्ड या फिर आपका जो है रदरफोर्ड ने, और यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले ई इलेक्ट्रॉन की खोज की थी भाई थॉमसन ने। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी दोस्तों, किसने, जेम्स चैडविक ने भाई। अगर आपके ऑप्शन में रदरफोर्ड ने हो तो आप गोल्डस्टीन भी लिख सकते हो, ठीक है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है भाई, द बॉन्ड प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड होता है भाई NaCl होता है, इसके अंदर कौन सी बॉन्ड होती है। सो आप सभी को पता है भाई इट इज एन आयनिक बॉन्ड है ना, इट इज एन आयनिक बॉन्ड। सोडियम क्लोराइड में कौन सी बॉन्ड मौजूद होती है, आयनिक बॉन्ड होती है। अगर आपसे पूछ ले वाटर में दोस्तों, जो हमारा वाटर होता है H2 होता है, इसके अंदर कौन सी बॉन्ड होती है, तो इसके अंदर होती है भाई हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके कारण जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है दोस्तों। सो ये भाई कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, अब आपको कमेंट करके बताना है कि 15 में से आपको कितना स्कोर मिला दोस्तों, और ये सारे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। सो भाई अब देख लेते हैं दोस्तों, आप सभी के लिए एक रामबाण जीके की बुक हम लेकर आ चुके हैं दोस्तों, इसमें आपको जीके और साइंस, जीके और करंट अफेयर का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया गया दोस्तों। कोस्ट गार्ड में 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे दोस्तों इस बुक को पढ़ने के बाद। यहाँ पर ये स्पेशली बुक है दोस्तों, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक, लास्ट में जो लिंक दिया हुआ है उसमें आपको मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसका जो प्राइस है दोस्तों हमने नाम मात्र रखा है भाई, मात्र 39 रुपीज में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। लगभग लगभग दोस्तों 106 से ज्यादा इसमें पेजेस है, MCQ क्वेश्चन है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, करंट अफेयर है दोस्तों, साथ ही साथ टोक्यो ओलंपिक, इंपोर्टेंट एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, सारी जो इसमें कवर की गई है। सो एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।